उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में 24 दिसंबर 1941 को जन्मी विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल किसी पहचान की मोहताज नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड की इस बेटी को माउंटेन गोट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कामयाबी जितनी महान है उतना ही गहरा इनका संघर्ष है। साधारण कृषक परिवार में जन्मी चंद्रप्रभा की प्राथमिक से लेकर दसवीं तक की शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई और इसके बाद उन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई नैनीताल पीजी कॉलेज से पूरी की। 1965-66 में दोबारा अपने गृह जनपद पिथौरागढ़ से सीपीएट करने के बाद वे 1972 से 1975 तक नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी से इन्होंने पर्वतारोहण के विभिन्न कोर्स पूरे किए। उनकी कठिन मेहनत और उनके पहाड़ चढ़ने के जुझारूपन से उन्हें जल्द ही नौकरी मिल गई और इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने चंद्रप्रभा ऐतवाल को 1986 में साहसिक कार्यों के विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्ति दे दी। इसी दौरान चंद्रप्रभा के नेतृत्व में भारतीय महिला और पुरुष दलों ने विश्व के अलग अलग पर्वतों पर सफलतापूर्वक पर्वतारोहण किया। चंद्रप्रभा ऐतवाल एक अकेली ऐसी महिला पर्वतारोही है जिनके नाम 28 बार हिमालय की दुर्लभ चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी कठिन मेहनत और उनके लगन ने ही उन्हें विश्व प्रसिद्ध बनाया और यही देखकर भारत सरकार ने भी चंद्रप्रभा ऐतवाल को 1981 में अर्जुन पुरस्कार, 1989-90 में पद्मश्री सम्मान, 1994 में साहसिक पुरस्कार और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वर्ण पदक और भारतीय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा रजत पदक से अलंकृत किया गया है। यही नहीं, साल 2010 में हिमालय की इस बेटी को पर्वतारोहण के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार तेनजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से भी नवाजा गया।